गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। बस बाबूजी बस, बचपन से लेकर आज तक हमने आपकी हर बात मानी, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। क्यों? घर में लाखों करोड़ों रुपए होते हुए भी आज तक मैं 1000 रुपए से ऊपर की शर्त नहीं लगा पाया। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वो भी अभी। मुझे 10,000 रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। बहुत अच्छा है भाभी भैया, कुछ शूटिंग के लिए रिहर्सल करता है। अभी मुझे पैसों की जरूरत है। तो फिर मिरर के सामने क्या कर रहे हो रोश? ओफ, रिहर्सल। बाबूजी से पैसे मांगने की रिहर्सल। उसमें हंसने की क्या बात है? अगर हिम्मत है तो बाबूजी से डायरेक्टली मांगो ना, मिरर के सामने हाथ क्यों फैला रहे थे? हिम्मत जुटाने के लिए रिहर्सल कर रहा था मैं। करो करो, पूरा लाइफ रिहर्सल करो। ये सीन तुम सिर्फ मिरर के सामने ही कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। बाबूजी के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। बस बस, यही सब कह कह के ना मेरी हिम्मत पस्त कर देती हो तुम। सब लोग एनकरेज भी करता ही नहीं, आदमी हिम्मत करे तो करे कैसे? क्या बात है, चेहरे से तो बड़ी टेंशन में लग रहा है। आपके चेहरे पे से भी खुशियों की बारिश नहीं हो रही है, तो लगता है आप भी टेंशन में ही है। जाने दे यार, भाई मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है कि तेरी प्रॉब्लम मनी रिलेटेड है। लगी शर्त? शर्त लगाने की क्या बात है, इस घर में पैसे के अलावा और कोई टेंशन हो सकती है? कितने पैसे चाहिए? 50,000 रुपए चाहिए डिपॉजिट के लिए। लाइए। घर छोड़ के जा रहा है? अबे यार, एक बार डिपॉजिट दे भी देगा, लेकिन हर महीने किराया कहाँ से देगा? मकान के लिए डिपॉजिट नहीं चाहिए, मुकाम के लिए डिपॉजिट चाहिए। मतलब एक प्रोड्यूसर को देना है। वो प्रोड्यूसर ऐसा है जो उसे डिपॉजिट देते हैं उसी को काम देता है। अच्छा काम किया तो डबल पैसे, अच्छा काम नहीं किया तो पैसे जब्त। मतलब पैसे डुबाने के लिए चाहिए तुझे? आपका मतलब मैं फ्लॉप एक्टर हूं? पर आप जैसे बड़े बिजनेसमैन सारा दिन घोड़े पे पैसे लगाते रहते हैं। घोड़े के जमाने गए, ऑनलाइन लॉटरी का जमाना आ गया है। सुबह 10,000 लगाओ, शाम तक लाख रुपए आंटी। क्या मुझे 50,000 की पड़ी है और आपको 10,000 की पड़ी है? तू समझा नहीं यार, अपने 50,000 की टेंशन छोड़, मेरे 10,000 की सोच। क्यों? देख, 10,000 तू मुझे देगा ना, लॉटरी में लगाऊंगा, शाम तक लाख रुपए कमाऊंगा, 50,000 तुझे दूंगा, 50,000 मेरा प्रॉफिट, मेरे पास खत्म। 10,000 रुपए लाऊंगा कहां से? तू सोच। बाबूजी तो देंगे नहीं, माता जी के पास तो होते नहीं है। पिंकू भैया, वो तो हमारा जैसे ही है। मानी नहीं भाभी के पास मांगने जाऊंगा तो सारी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। अब बाकी बची बीना भाभी, वो आपको पैसे देती नहीं तो मुझे क्या देंगी? यार इन सब के बारे में सोचकर टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कर, मैं सारे ऑप्शन सोच चुका हूँ। कुछ और सोच सकता है तो सोच। जब बड़े होके आप नहीं सोच सकते तो मैं छोटा बच्चा क्या सोचूंगा? कोई फिल्मी आइडिया सोच ले। सोच लिया, हो गया 10,000 का अरेंजमेंट, मिल गया आइडिया। बता बता। आइडिया तो बताता जा। बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। क्या हुआ, 10,000 का इंतजाम नहीं हुआ ना, इसलिए छुप छुप के आ रहा है? मैंने कहा था ना आपसे, मैं आइडिया बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। अच्छा दिखा। देखिए क्या है ये? ये बम है। कहां से आया तू? लिया कहां से लाया? मेरे दोस्त है शमशेर भाई, फिल्मों में गोला बारूद सप्लाई करते हैं, उन्होंने मुझे सप्लाई किया। फिर तू तो आइडिया सोचने गया था, बम क्यों ले आया? अरे ये मेरे आइडिया का बम है, अब देखना ये कैसे 10,000 रुपए दिलवाता है। अच्छा 10,000 रुपए का आता ये? लेकिन यार इसे हम बेचेंगे कहाँ? ओफो, बेचने के लिए नहीं लाया हूँ मैं, इसे हम घर के किसी कोने में रखेंगे। अच्छा अरे डरिए मत, ये नकली बम है। वो तो मुझे भी पता चली गया था, मगर ये नकली बम भी हम करेंगे क्या? ओफो, अब भी नहीं समझे भैया की ना घोड़ो वाली बात। ये फिल्मी आइडिया, फिल्मी। ये बम मैं घर में रखूंगा, फिर बाहर से फोन करूंगा, सबको डराऊंगा और बाबूजी से मैं पैसे वसूल करूंगा। इसीलिए हिंदी फिल्में मैं नहीं देखता हूँ। बड़ी फिल्मी आइडिया है। हा? अबे चाहे कितना भी फिल्मी आइडिया हो, लेकिन मुझे इस आइडिया से डर लग रहा है। ओफो, आप तो हमेशा ही डरते रहते हैं। डरिए मत, मैं हूँ ना, मैंने सारा प्लान कर लिया है। इसे हम यहाँ पे रखते हैं और निकलते हैं। अरे कोई देख लगा तो? ओफो, देखेगा तभी तो टेंशन होगा ना, नहीं देखेगा तो टेंशन का आएगा। मेरे साथ रह रहे कितना इंटेलिजेंट हो गया था। इसको ऐसे रखते हैं। चल निकल भागते हैं। घर में कोई है? क्यों इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरा मतलब था घर का मालिक कहाँ गया है, घर में है या बाहर गया है? अरे कहीं भी हो, तुम्हें क्या मतलब? आप कौन? हनुमान। हनुमान के अवतार? अरे वाह वाह वाह, हाथ में तार, हनुमान के अवतार, कहाँ से आए आप? टेलीफोन एक्सचेंज थे, आपका फोन ठीक करने। ना ना ना, हमारा फोन तो ठीक है, हमने तो कंप्लेंट भी नहीं कराई।
आपका फोन तो ठीक है पर इस एरिया की लाइन में प्रॉब्लम आ गई ना, इसलिए सब चेक करने आया हूँ मैं। अरे तो बाहर एरिया की लाइन को चेक करिए ना, यहाँ क्या चेक कर रहे हैं? बाहर तो मैं सब चेक करके आया हूँ, अब सबके घर में जा जा कर चेक करना है। क्या है ना, एक फोन की वजह से पूरे एरिया के लाइन में प्रॉब्लम आ गई है। ये टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले भी ना, जब कंप्लेन कराओ तो 10-10 दिन तक नहीं आते हैं, चेक करने ही नहीं आएंगे, कैश दो तो भी नहीं आएंगे। वाह, और जब आएंगे तो ऐसे अवतार लेके आएंगे। आइए आइए, करिए चेक करिए। फोन चेक कर रहे हो कि घर चेक कर रहे हो? एक गिलास पानी मिलेगा? एक मिनट, ये खींचो। नहीं नहीं वो नहीं, मुझे फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। अरे अंकिल, धूप में से आए, अपना कलर देखिए, फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, यही खींचिए। मैं कुछ बीमार बीमार नहीं पड़ने वाला, मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीने की आदत है। बड़ी खराब आदत है। अरे बाप रे, अभी तक चेक करना शुरू नहीं किया क्या? करो, चेक करो। क्या है ना, कोई मेरे सामने ऐसे खड़ा होता है ना तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। आप अपना काम कीजिए ना, मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, इस घर की देखभाल करना मेरा काम है। आ, आ, आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओए, काम पूरा हुआ कि नहीं? अरे तार साहब, ये पोपरी ये कहां चला गया? अरे 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 भाई, अरे हेलो, अरे बाप रे, पता नहीं क्या क्या ले गया इस घर से। सोफा यही है, टीवी वो भी यही है, मैं भी यही हूँ। तो फिर वो ले क्या गया? काम हो गया, मैंने बम लगा दिया है, 2 घंटे बाद पूरी फैमिली खलास। आपका पुराना हिसाब चुकता हो जाएगा। ले पाई टिंकू, मेरी चाल देख और अपने गधे को संभाल। बाबूजी, ये गधा नहीं मेरा घोड़ा है। इसीलिए तो बोला, तेरा घोड़ा भी तेरी तरह ही होगा ना खोते। ओ, किस गधे का फोन आ गया? हेलो। ए हेलो विलो चोर, प्रेमजीत सबरवाल, ध्यान से सुन, तेरा खेल है ना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ओ, इतनी जल्दी कहाँ खेल खत्म हो जाएगा जी, अभी अभी शुरू हुआ, अभी तो बहुत टाइम है जी। बहुत टाइम तेरे पास? सिर्फ 2 घंटे बाकी है तेरे पास, फिर 2 घंटे में ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या जी, 2 घंटे क्यों, आधे घंटे में ही खत्म कर दूंगा। कैसे भाई साहब, आपको कैसे पता चला जी हमारे खेल के बारे में? अपुन के आदमी लोग है ना तेरे घर के चारों तरफ फैले हुए और तुम लोग पे नजर रखे ले। क्या नजर रखे हुए भाई साहब, इतना ही इंटरेस्ट है चेस में तो अंदर आ जाओ, बाहर से क्यों नजर रखे हैं, आराम से देखो बैठ के। मैं चेस के खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौत के खेल की बात कर रहा हूँ। क्या मेरे घर में ना आप उनके आदमी लोग ने बम रखे लाए, बम। मेरे घर में बम? क्या बात कर रहे हैं? और रोशन, हमारे घर में बम है। पता है पता है, पूछिए फटेगा कब। भाई साहब, फटेगा कब? 2 घंटे के बाद। हाँ जी, 2 घंटे बाद बम फट जाएगा। भाई साहब ये बात तो ठीक नहीं, थोड़ा तो टाइम देना चाहिए ना। यार रोशन, घर में बम पड़ा यार, तू आराम से खड़ा, तेरे मुंह पे कोई टेंशन ही नहीं। हाँ है ना, अब 1 मिनट दीजिए मुझे। ओए ओए उल्लू के पट्टे गधे बदमाश, कौन है? अरे रोशन भैया, गाली मत दो, भाभी हूँ, भाऊजी का फोन दो, आपको बताएगा। हेलो भाई साहब, आप कौन है, क्या चाहिए आपको? अबे ये आधे टकले है, डेढ़ फूटी है, इज्जत से सुन, अपुन को है ना 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए चाहिए, वरना 2 घंटे के अंदर अपुन रिमोट कंट्रोल से तेरा घर उड़ा देगा, समझा क्या? हेलो भाई साहब सुनो, हेलो बाप, यार को तेरे फोन काट दिया, बोल रहा था 1 घंटे के अंदर उसको 1 लाख रुपया नहीं दिया ना तो बम से कर को उड़ा देगा। अच्छा तो बाबूजी अब क्या करेंगे आप? तो करना क्या है, चिल्लाऊंगा मैं कह प्रेम करो जी, मालवीय पुत्र और मीना और बाबी और राजा को तुम ले यार। भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? मालवीय पुत्र अभी जो चिल्ला रहा हूं सुनाई दे रहा है, 2 घंटे बाद घर में जो धमाका होगा ना उससे तो पड़ोसी भी बहरे हो जाएंगे, वो किसी ने घर में बम रख दिया। खुश होने की बात नहीं है, कह रहा था 1 घंटे में अगर 1 लाख रुपया नहीं दिया ना तो घर को बम से उड़ा देगा। हाय रब्बा, कौन था?
था वो मर जाना। ओ माय गॉड, घर में बॉम्ब है, रोशन कुछ करो। फादर इंगला जी, एक मिनट, आप जरा सोचिए, आपका पास में कोई किसी के साथ पुरानी दुश्मनी झगड़ा। मालिनी पुत्र, वो बचपन में ना एक बार मैंने उसको। अरे बाऊजी, ये सोचने का वक्त नहीं है, मुझे समझ में आ गया किसने किया ये हरकत। वो जो आदमी टेलीफोन ठीक करने के लिए आया था, उसी ने किया होगा। ये शक्ल सही, वो बदमाश टाइप का आदमी लग रहा था। सेवकरा, जब वो शक्ल से बदमाश लग रहा था तो तुम उस पर नजर रखना चाहिए ना। अरे मैंने नजर रखी थी, लेकिन बाऊजी ने मुझे अपने काम के लिए अपने पास बुला लिया और उस खुत्ते ने अपना काम कर दिया। जरूरी क्या था मेरे पास आना या उस पर नजर रखना? आपके पास आना, क्योंकि तनख्वाह मुझे आप देते हैं, वो लाइनमैन नहीं। एक काम करो जी, कैश, ज्वेलरी, महंगा सामान समेटो और चलो जी, चलो। अरे बाऊजी, एक मिनट, इसकी क्या जरूरत है? 1,00,000 रुपए मांग रहा है ना, उसके मुंह पे दे मारो। हाँ, बिना सही करिए बाऊजी। उसकी कोई जरूरत नहीं सेठ जी, पहले हमको बॉम्ब ढूंढना पड़ेगा। अगर बॉम्ब मिल गया बस बात खत्म। यस, चलो बॉम्ब ढूंढते हैं। हाँ, और वैसे भी मैंने कभी जिंदगी में बॉम्ब नहीं देखा। मिनी, ये बॉम्ब है, कोई बॉल नहीं जिसके साथ तुम लोग खेल सकते हो। मैं बताता हूँ बॉम्ब ढूंढते। बाबूजी आप उधर बॉम्ब ढूंढिए, बिना भाभी आप उधर देखिए, माजी आप उधर जाइए, मालिनी भाभी आप सेंटर में रहिए। और आप एक मिनट, और तू कहाँ ढूंढेगा? मैं बीच में रह के बॉम्ब पे नजर रखूंगा कि बॉम्ब कहीं फट ना जाए। बम छुपाने वाला ऐसी जगह थोड़ी छुपाता जहां हम देख पाए। और जगह ढूंढते और जगह किधर ढूंढे? मिल गया। नहीं, आईडिया मिल गया। क्या पात्रिंद्रा जी, हम सब लोग साइलेंस हो जाते हैं। उससे क्या होगा मालिनी पुत्र? पात्रिंद्रा जी, हमने पिक्चर में देखा है, हमेशा बम के ऊपर ना एक घड़ी होती है, साइलेंस होने में उसका आवाज आती है, तब पता चल जाएगा हमको। आंख बंद करके एक मिनट, डरिए मत, बम नहीं फटा, डोरबेल बजाइए किसी ने। ओ मैं कहीं, बात बात पे जान निकली जा रही है। बताइए, खोदा पहाड़ निकला बॉबी भैया। क्या हो गया पाऊजी? आपके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है आप सबकी सिट्टी बच गई है। होते पता होता तो हम ढूंढते क्यों यार? लेकिन बाबूजी, बम ऐसे नहीं मिलता, बम ढूंढने के लिए बम डिटेक्टर आता है, मेरे दोस्त के पास है, मंगवाऊं? तो देर किस बात की कर रहा है यार, जल्दी कर, फोन कर। फोन लगा। हाँ रोनी, बॉबी बोल रहा हूँ। सुन यार, एक टेंशन हो गई यार, हमारे घर में किसी ने बम रख दिया है। हाँ सुन, तेरा बम डिटेक्टर उधार मिल सकता है क्या? 10,000 रुपए लेगा? नहीं तो फिर रहने दे यार। नहीं, 10,000 हमारी जान से कीमती है क्या? मंगा डिटेक्टर। अच्छा, 10,000 लेके आता हूँ, तू घर पे रहना, ओके? लेख होते 10,000। हाँ बस, अभी मैं यूं गया और यूं आया। बाबी भैया प्लीज जल्दी आ जाओ, किसी थिएटर में पिक्चर देख के मत बैठो, नहीं तो हमारा फिल्म दी एंड हो जाएगा। नहीं, अभी आता हूँ। बाऊजी, उसने यही कहा था ना कि 2 घंटे बाद बम फूटेगा, उससे पहले अगर फूट गया तो हमारा दुर्फिटे मुंह हो जाएगा। हेलो फैमिली मैन, आ गए सारे? बम फूट गया क्या? हम यहाँ हैं। बाऊजी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे? खोते, घर में बम रखा हो तो आदमी पकौड़े खाते हुए बम के फटने का इंतजार करेगा क्या? और घर में जब बम फट जाएगा तो ये कोना बच जाएगा क्या? आ गया, ये बम ढूंढने की मशीन है। और ये, और इसके 10,000 रुपए? अरे बाप रे, ये तो बिना तार वाला बैडमिंटन जैसे लग रहा है। खेलो मत। ये ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? बच्चों, ये ग्रीन लाइट तब ऑन होती है जब मशीन ऑन होता है, और जब बम मिल जाता है तो लाइट रेड हो जाती है। अरे भैया प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, चलो ना जल्दी। चलो 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 चलो, बम ढूंढो, बम ढूंढो। अरे एक मिनट, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग मेरे पीछे आओ, कोई मशीन के आगे मत आना। ओके। उधर पहले देख लेना। साइलेंस है, कोई आवाज मत करना। रेड लाइट, पीछे। साइलेंस। Oh,
भैया ये रियल लाइफ है, फिल्म नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। कोई नीचे फंस जाएगा यार। डरिए मत और मुझे भी मत डराइए, मुझे बम डिफ्यूज करना आता है। हो गया बम डिफ्यूज। आयो सेठ जी देखा सेठ जी, ये बॉम्ब कुशन के पीछे ही था, आपने हमको रोक दिया, नहीं तो बॉम्ब हमको पहले मिलता था। और खोता है और क्यों रोका है, काम खाए मेरा 10,000 का नुकसान करवा दिया, और बॉम्ब मालिनी के हाथ में फट जाता तो दीजिए भाभी दीजिए, अभी कुछ नहीं होगा, दीजिए। अयो वाओ कितना प्यारा बॉम्ब है ये। अयो सुन भैया काम हो गया, जैसा आपने बताया था मैंने ऐसे किया, बाबू भाई को 10,000 रुपए दे चुका हूँ। अब आधे घंटे में 1,00,000 रुपए हो जाएंगे, 50,000 तुझे दे दूँगा, 50,000 मेरे। ओए 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 खोतो, एक मिनट, ये तुम दोनों किस खुशी में हाथ मिला रहे हो? खुशी में बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं, इतनी बहादुरी का काम किया हमारे भाई ने, शाबाशी दे रहा हूँ। अरे हाथ तो क्या मिला ना, गले मिलने यार गले। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया बाप पड़ा ना भैया। रोशन भैया हाँ, ये आपके बाबू भाई का फोन क्यों नहीं आया, कहीं हमारे 10,000 रुपए खा तो नहीं जाएंगे? अरे यार कैसी बात कर रहा है, बहुत बड़ा सटोरिया है वो, रोज लाखों करोड़ों रुपए खाता लोगों के, टेंशन मत ले हमारे 10,000 नहीं खाएगा। हाँ लेकिन एक फोन चल कर ही देता हूँ तू बोल रहा तो। हाँ बाबू भाई केम छो, रोशन सबरवाल बोल रहा हूँ। हाँ तेरी तकदीर ही खराब है, तेरे चक्कर में हो गया ना नुकसान मेरा, सारा पैसा डूब गया। नुकसान मेरा हुआ है आपका? अरे मेरा नाम खराब कराया ऊपर से पूरा। अरे मेरा नाम खराब किया क्या? मेरा नाम खराब किया? इतनी मुश्किल से मैंने बाबूजी के पास से पैसे निकलवाए थे बम का नाटक करके, और आपने मेरे पैसे डुबो दिए। अरे तेरी वजह से मेरा नाम खराब, आप ही की तकदीर खराब है। थैंक यू मालिनी। देख मालिनी से कुछ सीख, कितना ध्यान रखती है हमारा। ये ना पोखर बता क्या आजाम यही है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मैम आपके घर में बॉम्ब है। हाड़क कड़वड़े ये बात आप तक पहुंच गया, एक्चुअली वो नकली बॉम्ब है, हमारा भाभी भैया और हमारा सेठ। मैम वो बॉम्ब असली है। इंस्पेक्टर साहब वो नकली बॉम्ब है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे देखा आप इस बॉल के इस बॉम्ब की बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये बॉम्ब नहीं है बॉल है, देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं। मैम ये बॉम्ब असली है, कुछ कीजिए, बच्चों की जान को खतरे में क्यों डाल रही हैं? आप कैसे इंस्पेक्टर हो, नकली बॉम्ब को देख के डर रहे हैं? बाप रे, अरे तू फिर आ गया। अरे ये वही तो आदमी है जो टेलीफोन ठीक करने के बहाने घर में आया था। अरे इसी ने रखा है बॉम्ब। हाँ इसने कबूल किया, इसने आपके घर में बॉम्ब लगाया है। पर क्यों? वो गलती से रख दिया साहब, वो मेरे बॉस का आपके बाजू में जो 45 नंबर बंगला है ना, वो जज साहब से दुश्मनी है, उनको उड़ाने के लिए मुझे बम दिया था, मैं 45 को 54 समझ के यही रख दिया साहब। ये बम असली है? ये असली नकली क्या हो रहा है यहाँ पे? यार ये लोग कह रहे हैं बम असली है। ये बम असली है पागल। एक मिनट रोशन भैया, इस बम में टाइमर है, और मैं जो बम लाया था उसमें टाइमर नहीं था। चेक भैया, मतलब ये असली बम है? नो प्रॉब्लम भाभी भैया, आपने तो असली बम का डिफ्यूज कर दिया ना। लेकिन भाभी वो तो सिर्फ लाइट बंद हुई थी, ये देखिए टाइमर चालू है। बम फटने में 3 सेकंड बाकी है। 1 सेकंड कहाँ चले, बॉम्ब तो लेते जाओ। बाबूजी के लिए दूसरा ले आओ।